अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देते हुए यहां औद्योगिक केंद्र बनाने के प्रयास अब जमीनी स्तर पर रंग लाते नजर आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जुलाई अंत तक 182 नए औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। इससे 2000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इन 182 औद्योगिक इकाइयों में से 164 इकाइयां संगठित क्षेत्र में पंजीकृत हुई हैं, जबकि 18 इकाई असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत हुई है। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटों में से भी कम समय में कम तीव्रता वाले 7 भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप संभाग के अलग अलग जिलों में आए हैं। विशेषज्ञों ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक साथ इतने भूकंप आना अच्छा सूचक नहीं है। हालांकि इन भूकंप के झटकों के कारण किसी के जान माल के अनुमान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परिजनों के साथ श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। वो मंगलवार शाम कटरा पहुंचे, इसके बाद वो भवन की तरफ रवाना हुए। उनका भाजपा नेताओं ने माता की चुनरी पहनाकर स्वागत किया। आज अनुराग ठाकुर वैष्णो देवी यात्रा पूरी करने के बाद जम्मू की तरफ रवाना हो गए। भाजपा नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर की गतिविधियों से अवगत कराया गया। एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में पुलिस द्वारा 3 लॉयर्स के घर में छापेमारी की जा रही है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि लॉयर्स मियां क्यों, वकील मंजूर डार और मुजफ्फर मोहम्मद के आवासों पर तलाशी ली जा रही है। आपको जानकारी देते चले कि बाबरी कादरी की 24 सितंबर 2020 को श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में उनके आवास पर आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ट्रक नंबर JK03C1321 के साथ तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से चंद्रूग के रहने वाले 5 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बीती देर शाम बहरामपुरा शीलू पुल पर नाके के दौरान लश्कर ए तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकी को एक मददगार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन व 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। वो टारगेट किलिंग के लिए हथियार पहुंचाने जा रहा था। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती 23 सितंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर बीते मंगलवार भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत सभा के करीब 30 युवाओं को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभा के अध्यक्ष राजन सिंह हैप्पी के नेतृत्व में मंगलवार सुबह शहर के बीचों बीच तभी पुल पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने जमा होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके साथ टीम जम्मू, शिवसेना, पीडीपी और अन्य पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन के नेता शामिल हुए। श्रीनगर में यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने ऑल पार्टी मीट में शिरकत न करने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने पीडीपी व एनसी के नेताओं से सवाल करते हुए पूछा कि शिवसेना का ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होना हैरानकुन है, जो उनकी पार्टी आइडियोलॉजी से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। जम्मू में डेली वेजेस ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजेस ने मांग करते हुए कहा कि एलजी प्रशासन रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करे और उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द रिलीज करे। उनको घर बार चलाना मुश्किल हो रहा है। फीस न जमा कराने के कारण उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। आज 64 दिन हो गए, सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है।